कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को साफ कर दिया कि यूपी चुनाव में पार्टी सपा के साथ अलायंस करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन का ऐलान एक दो दिन में कर दिया जाएगा, जल्द ही लिस्ट भी जारी हो जाएगी। उधर अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि मुलायम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। 30-40 सीटों को लेकर दोनों के बीच बातचीत होगी। करीबियों का कहना है कि मुलायम मान गए हैं। हिंदी फिल्म दंगल में बबीता का किरदार निभाने वाली जायरा वसीम के फेसबुक पर लिखे माफीनामे को लेकर आमिर खान ने कहा है, मैं समझ सकता हूं कि तुमने ये बयान क्यों दिया। मैं चाहता हूं ऐसे समय में तुम जानो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने मंगलवार को ही इंद्राणी, पीटर और संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए और इसी के साथ ही इंद्राणी ने पीटर से तलाक लेने का ऐलान कर दिया। इंद्राणी ने मुंबई सेशन कोर्ट को भी जानकारी दे दी है। जयललिता के निधन के बाद AIADMK में विरासत की जंग जारी है। जयललिता की भतीजी दीपा जया कुमार ने 2-2 कहा है कि उन्हें पार्टी महासचिव के ओहदे पर शशिकला मंजूर नहीं है। उनके मुताबिक वो इस पद पर सिर्फ जयललिता या AIADMK के संस्थापक MG रामचंद्रन को ही देख सकती हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज रियाद स्थित भारतीय दूतावास से कहा कि उन्हें हैदराबाद निवासी उस 32 वर्षीय व्यक्ति के बारे में सूचित कराता रहे जिसे लूटपाट के मामले में सऊदी अरब की एक अदालत ने 1 साल की कैद और 300 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। 40 दिन चलने वाली वार्षिक पवित्र अमरनाथ यात्रा इस साल 29 जून से शुरू होगी। पिछले साल अमरनाथ यात्रा 48 दिन तक चली थी। आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 7 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन पर सहमति बनने के बाद शीला दीक्षित ने आज CM की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया है। कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते घरेलू मार्केट हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 53 अंक लुढ़ककर 27,235 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 15 अंक टूटकर 8,398 स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान मेटल और एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई।